बोलो सीताराम। खूब राम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो। एक बालक की अर्जी आई है जो अभी पहले नहीं उठ रहा था, लाल टी शर्ट पहने यहाँ बीच से। यस, वो बालक बीच वाला आ रहा है। भगवान आप विराज जाओ। सन्यासी बाबा की, राम नाम भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, मन ही मन राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, आपकी अर्जी स्वीकार। इसके बाद डी में ये जो बच्ची बैठी है, बिटिया बैठी है, साड़ी पहने हुए, सफेद सी, ये चमकीली सी, ऐसे हाथ करो बेटा। हाँ आ जाओ, आपके बगल वाली बिटिया, आपके बगल वाली, आप बैठ जाओ बेटा, आपके बगल वाली बहन जी बैठी है, ये सफेद सी। हाँ जी माता जी, जी वो आ रही है माता जी, जो चमकीली सी साड़ी पहने ना। आ जाओ बेटा तुम दौड़ के, आ जवान लड़का है। अच्छे से बैठो। हाँ माता जी को बुला लो, लेकिन तुम अच्छे से बैठ जाओ, हम बुलाएंगे, बैठ जाओ अच्छे से बैठो तुम। सीताराम गुरु जी पालथी मार के बैठ, नमाज नहीं पढ़ना अंगारा। इनकी माता जी कहाँ है? नेहा जी, नेहा राय, आ जाए। बोले सच्चे दरबार की, बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माइक नजदीक, बहुत समय बाद आपका नंबर लग पाया गुरु जी। कब से आ रहे हो? काफी टाइम से, एक आध साल से क्या? नहीं नहीं, मतलब मन में बहुत ज्यादा है आपके लिए, और आज मतलब सुबह से ही इतना था कि मतलब आज नंबर लगेगा ही, कुछ हो जाए। मन में सुबह से ही था कि आज अर्जी लगेगी, लग गई। कहाँ के हो? बिना के, बिना के। पूछो क्या प्रश्न? माता जी को बुला लेते, बस लेट हो जाएंगे हम, दूसरों को भी आ रहा। एक बार नाम ले दी, मम्मी मम्मी आओ जल्दी। आ गई, आओ आ गई, बीना में कहाँ रहते हो? कालिष्ट गड्ढा, केनरा बैंक के पास। अच्छा, प्रश्न करो जल्दी करो, तब तक अब तो आगे मत। गुरु जी हमें हमारे पति के बारे में हम बहुत परेशान हैं। क्या हो गया है? जी सौरवास को गया जी, 2/5/21 को। हाँ गुरु जी हम बहुत परेशान हैं। कुछ ऐसा राज है जिस कारण से हम माइक से नहीं बोल सकते, शब्दों में बोल दें चलेगा? गुरु जी अगर को आप माइक से नहीं बोलेंगे आज तो उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा आज उन्हें, यदि आप नहीं बताएंगे तो। बात ठीक है आपकी, लेकिन हमें भी अपनी मर्यादा बना करके चलना। नहीं गुरु जी हम बहुत उससे, आप अपनी जगह ठीक है, हमारी भी सुनिए। और मेरे बच्चे बहुत परेशान है, ठीक है, और हमारे घर में बहुत सुनत जाओ, आप सुनत भर जाओ। रुकावटें घर में बनी, उठा पटक भयंकर मची, बच्चों की बुद्धि ठीक नहीं रहती, पूरा विरोध में परिवार लगा हुआ है, विरोध में परिवार माइक करे रहिए, हाँ या ना करे, विरोध में पूरा परिवार लगा हुआ है, भूत विद्या तंत्र जिंदवादा का प्रयोग किया, पति की मृत्यु पर पूछने आई है कि किसने किया है, किसका हाथ है, राज खुलवाने आई है, आज तक राज नहीं खुला, ऐसी अर्जी लेकर आप गुरु जी। बिल्कुल सत्य, बोले सच्चे दरबार की, बिल्कुल सत्य। अब अपनी मर्यादा को देखते हुए हम ये बता देते हैं कि जहां आप बार बार मनोभाव में रखते हैं वो गलत नहीं है, सही सही सही, बाहर का नहीं है, स्त्री का विशेष हाथ है।
गुरुजी आज टोटका बाहर से करवाया है, बालाजी कृपा करेंगे, अभी भी तुम्हारी बुद्धि भी खराब करता है। बिल्कुल गुरुजी। और कलेश मचाता है, पागलों जैसी हरकत करता है। रात को तुम्हें मारना मारने का भाव होता कि या तुम मर जाएं या मर्डर कर दें। रात के समय ये बच्चों में तुम में सबको एक को पकड़ के एक को एक दूसरे को। तीसरा विषय रोज विगत डेढ़ माह से ये आ रहा, चार माह से ये आ रहा कि या तो खुद बहुत जल्दी पूरे परिवार से घर सहित मर जाएं। सच कह रहे गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। दो बार प्रयास भी कर लिया, दो बार तैयारी भी कर ली, किया किया, और बहुत तांत्रिकों के चक्कर में भी पड़ लिया। झूठा आश्वासन सिर्फ लेकर के कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया हमारा किसी ने भी। इसलिए सत्य का निर्णय होगा, जिसने किया है उसका प्रत्यक्ष सामने दिखेगा। हम किसी के लिए बुरा नहीं कह सकते। आपके घर को हम सुरक्षित करने का वचन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बोले बालाजी सरकार की। आपके घर को आगे जो आपका भय है, जो दरबार में आप हमसे मिलना चाहते थे इस विषय को लेके कि अब बच्चों को कुछ ना हो जाए, ऐसी कोई गारंटी ले ले, ऐसे गुरु की खोज में थे तुम, ये गारंटी हमारी कुछ नहीं होगा। बोले गुरुदेव भगवान की। हम भगवान तो नहीं है, पर बालाजी से गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा से प्राप्त नहीं, बालाजी ये हम वचन देते हैं कि इस बच्चे को आपको भूत बाधा से वे चाहे जितनों जोर लगा लें, राजनैतिक लौकिक तंत्र करवा करवा और विरोध कर करके खिल्ली उड़ा उड़ा दरवाजे पे ब्रश करत भय हसत हैं, मजा मारत खिल्ली उड़ाऊ बे बंद हुई है, तुम्हारो बाल मा को ना हुई है। बंद का मतलब जेल नहीं, पर तंत्र से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की, बालाजी सरकार की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन हमें आपके घर की माटी चाहिए। हम आज ही लेने वाले थे, हमने बच्ची से बोला, इतने खुदा नहीं है, हमने बोला था गुरुजी। हम ये कह रहे हैं हमारा बड़ा बेटा बहुत पैसा करता है, उससे हमें बहुत डर लगता है, वो उसके भी दिमाग। बालाजी कृपा करेंगे, यही बैठा है, तूने बुलाया क्यों? गुरुजी हम बहुत याद करते हैं कि ऐसा मिले हमें, इंसाफ मिले हमें। बालाजी कृपा करेंगे, बिल्कुल चिंता न करो, भाई को भी बुला लो एक मिनट के लिए। भैया आ जाओ, क्योंकि खतरनाक तो यही है। शुभम भैया आ जाओ, ये कुछ भी कर देगा। बालाजी के पास लो प्यारे, आप लोग दोनों तीनों मुट्ठी बांध के वहाँ बैठ जाओ, बालाजी उसका निर्णय करेंगे, आप चिंता मत करो। नहीं नहीं फोटो आप बंद कर लो, फोटो की हमें जरूरत थी। बहुत अच्छे थे, यहाँ सब दोस्त बैठे हैं उनके, जो बीपी भाई साहब हैं वो खास दोस्त हैं इनके, हम क्या करें, उन्होंने साथ दिया थोड़ा बहुत और किसी ने नहीं दिया। बालाजी के पास क्या नाम है? बहुत ज्यादा उपद्रवी हो, कंट्रोल करो अपने विवेक को, बुद्धि को। सही कह रहे हैं गुरुजी आप। हाँ, मन मस्तिष्क को कुछ भी नहीं करना अपन को। तुम क्या है, कई बार तुम जो है इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। सही कह रहे हैं कि तुम्हें खुद ध्यान नहीं रहता किससे क्या बोल रहा हूँ, इसका परिणाम बहुत गंदा निकलेगा। जो हो गया वो तो बीत ही गया, भाग्य में था या कुछ भी कह लीजिए, या विरोधी था या तंत्र था या पीछे लगे थे, ये तो सब सही है। सही बात है। अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो फिर ये पूरा घर आपका बर्बाद हो जाएगा। अपनी बुद्धि पर मनोमस्त। एक और बात, आप बालाजी से बहुत प्यार से जुड़े हैं। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बालाजी से ज्यादा विचित्र बात तो ये कि हमारे जैसे नालायक पर बहुत विश्वास करते हैं। बिल्कुल गुरुजी, रातों भर वीडियो देखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रातों भर तो हमारी फोटो को कहीं जेब में रख के, कहीं मोबाइल पर स्क्रीन पे लग के बार बार देख करके सुबह से प्रणाम करना, नहाते समय भी फोटो का वीडियो चलाना, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। जाओ आज से कृपा होगी, बालाजी कृपा करें। वाह, दाम पे भी गया था मैं आपके। हाँ। एक छोटा सा मतलब बड़ा सा काम था, वो आपके नाम से हो गया, तो हमने जो बोला था कि मंगलवार को हो जाए या अगले मंगलवार को जाए आपके धाम पे जाएंगे, और वो हो गया। उसके कुछ दिनों बाद मंगलवार तो हम गए थे धाम पे। वाह वाह, बोले सच्चे दरबार की। ये अर्जी कार्ड, इसको गुप्त रखना है जी, इसको दिखाने की संसार को जरूरत, हमने तो दिखा दिया नेट पर। बिल्कुल उसमें कोई समझ यही हम इनको मम्मी को पूछ रहे थे।
बालाजी कृपा करो। चलो रो मत, आप रो मत, जाओ आशा, सबको पता है संसार है, आप चिंता खुश। दोनों हाथ उठा करके सब जयकार। देखो आज का, आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर देखो, ये आज का मेला है बीना का। जय हो बागेश्वर भैया, खुश रहो। अब आज के बाद दिमाग से निकाल भी देना बच्चों, कुछ भी नहीं होगा। हमें घर की मिट्टी चाहिए बंदेज के लिए, आप ले आना। ये आज अपनी स्क्रीन पर आप सब लोग जो देख पा रहे हैं, एक तो बहुत बड़ा पंडाल, ऊपर से घेर के लोग खड़े हुए हैं। ये जो मेला लगा है ये बागेश्वर आज का नहीं, स्क्रीन पे नहीं चल पा रहा का। यहां भैया स्क्रीन ले आओ, नजदीक आई, चल गई का दिखा रहा हो। देखो जो आज को मेला है प्यारो, ये पागलों की फौज उमड़ी है। माइक लीजिए, वृंदावन की एक कथा हमें बहुत याद आती है। वृंदावन में एक संत के मुख से हमने सुनी थी। वृंदावन में महाराज जी एक संत रहते थे जिन्हें जज साहब कहते, नाम था उनका जज साहब। लोग ने जानते ही थे जज साहब के नाम से। जज साहब आ गए, आओ आओ आओ, जज साहब आ गए, विराजो विराजो विराजो। तो किसी ने पूछा इन्हें जज साहब क्यों कहते। वो महात्मा घूमते रहते थे, तो एक साधु बोले दरअसल इनको जज साहब इसलिए कहते हैं कि कुछ दिन पहले ये जज ही थे, अब साधु बन गए। साधु कैसे बन गए, बोले क्या हुआ, दक्षिण भारत में एक गांव में एक कस्बा था, गांव नहीं कस्बा, एक कस्बे में एक अदालत थी छोटी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में एक स्थान है त्रिवल्लम, वहां पर एक छोटे से कस्बे में ये जज के रूप में पदस्थ थे। वहीं गांव में एक बगल में गांव था कस्बा से लगा हुआ, गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। रघुनाथ जी के मंदिर में पुजारी जी रहते थे, एक भोला भक्त रहता था जिसका नाम ही था भोला भगत, उसको सब लोग भोला भगत कहते। उससे कोई कुछ पूछे कि भाई ये ऐसा कैसा, बोले रघुनाथ जी जाने। उससे कोई पूछे भाई गांव में तुमने किसी को देखा, तो कहते थे रघुनाथ जी जाने, सब बात रघुनाथ जी पर छोड़ देता। बड़ा अटूट निष्ठा, देखना विश्वासम फलम दायकम। एक बार उस भोले भगत की बेटी की शादी का समय आया, तो दो बेटा थे एक बेटी। भोला नाम तो गांव वालों ने रख दिया था, तो बेटों ने कहा पिताजी बहन का विवाह करना है, संपत्ति है नहीं है, आप एक काम करो गांव के नगर सेठ से उधार उठा लो, बाद में हम मेहनत करेंगे मजदूरी करेंगे चुका देंगे। ठीक है, गांव के अमीर सेठ से पुराना जमाना 800 रुपया उधार लिए उधारी पर, और चुकाने की बात तय हुई। सेठ ने एक कागज लिया, उस पर लेखनी की दस्तखत कराए, तो अंगूठा किया उसने, वो आया रघुनाथ जी के चरणों में, वो पत्र रखा सरकार 800 रुपए का कर्जा हो गया, अब आप कृपा करना ये चुक जाए। ठीक है ठीक है, नित्य सेवा करता, झाड़ू लगाता पोंछा लगाता, रघुनाथ जी को देखता रहता दिन भर दिन भर, संध्या काल प्रातः काल दोपहर वेला में बयारू में देखता रहता। थोड़ी देर के लिए पर्दा लग जाए तो उसका मन छटपटाता रहता, कब रघुनाथ जी का पर्दा खुलवे और कब हमें दीदार हो, कब हमें दर्शन हो, कब हम उनकी आभा मंडल रूप का आस्वादन करें, उस रूप रस सुधा का आनंद लें। डूबा रहता मस्ती में। कालांतर में भोला भगत के बेटों ने मेहनत की मजदूरी की, 1000 रुपया कमाए, तो 800 100 रुपया ब्याज
दे दिए, पिताजी चुकाए आओ, अब भगवान की कृपा हो गई, चुकाओ। भोला भगत, सेठी जी श्री सीताराम आपकी जो हम उधारी ले गए थे ना, ये ये ये, ये स्वीकार कीजिए। हाँ लाओ 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 लाओ, और भोला कैसे हो, आपकी कृपा है। रघुनाथ जी जाने एक कागज लिया, वो जो कागज था जिसपे 800 की उधारी लिखी थी, चुकती लिख दी, दूसरी रसीद बना के दे दी, लो इसे पढ़ लो। हम क्या जाने, हम तो पढ़े लिखे नहीं साहब, रघुनाथ जी जाने। अब मलाल मन में भर गया सेठ के, अमीर के, ये बढ़िया है, ये पढ़ा लिखा है नहीं, दो बार रुपया ले सकते हैं। तो अच्छा एक काम करो, जरा पानी लाओ भीतर से। उसे पानी लेने भेजा तो जिसमें चुकती लिखा था वो पर्चा अपनी बही में रख लिया, झूठ मूठ का ऐसे ही ऐसे ऊपर नीचे कुछ लिख लिख करके दे दिया, लो ये है, चुक गए जो जो आ गया। आया भागा भागा रघुनाथ जी के चरणों में वो पत्र रखा, आपकी कृपा से रुपया चुक गए। सेठ की मति मारी गई, भक्त पर भगवान को कौतुक करना था, तो सेठ ने दोबारा रुपया लेने के लिए इनके ऊपर, भोला भगत के ऊपर केस लगा दिया। ये कोई घटना हम आपको त्रेता द्वापर या बहुत सतयुग की पुरानी नहीं, कलयुग की, अभी यही कोई 80 साल पहले की घटना सुना रहे। और वो केस इन्हीं जज साहब की अदालत में गया, तो जज साहब ने बुलवाया, तो अदालत में वह भोला भगत हाजिर हुआ। भोला भगत हाजिर हुआ तो जज साहब ने पूछा, क्यों भाई आपने सेठ जी के रुपया लिए? जी सरकार, जी हुजूर हमने रुपया लिए। अच्छा तो आपने चुकाए नहीं? सरकार हमने चुका दिए, ब्याज सहित सूत सहित चुका दिए। लेकिन सेठ जी ने तो अपने वकील से कहलवाया कि आपने रुपया नहीं दिए। अच्छा एक बात बताओ, भोला भगत रोने लगा, सरकार हमने तो चुकाए हैं, चलो चलो रो मत, आपने जब रुपया दिए तब कोई वहां था तीसरा? बोले हुजूर और तो कोई ना नहीं था, रघुनाथ जी और हमारे और सेठ जी के अलावा कोई चौथा नहीं था। जज साहब को लगा रघुनाथ जी कोई गांव का आदमी है, तो गरीब दशा देखकर, शरीर की दशा देखकर, अच्छा ठीक है तुम जाओ, दोबारा फिर गवाही होगी, फिर आना। तो अपने ही रुपयों से जज साहब ने एक संबंध निकाला रघुनाथ जी के नाम से, डाकिया संबंध लेकर के गांव में आया। अब भगवान की ऐसी कृपा कि उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं, तो किसी ने कहा कि यहां पर रघुनाथ नाम से तो कोई नहीं रहता, पर रघुनाथ जी का एक मंदिर है। तो वो पत्र पहुंचाने वाले ने कहा कि वही मंदिर ही बताओ, वही दे आए। मंदिर में पुजारी जी बाहर बैठे बैठे सीताराम 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 जप रहे थे, बड़े भावपूर्वक सीताराम नाम का कीर्तन कर रहे थे। तो कहा कि रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी ने कहा हाँ मंदिर तो यही है, ये संबंध आया है, हस्ताक्षर करो। अब पुजारी जी ने सोचा कि जब भगवान ने संबंध बुला ही लिया तो हम क्यों रोड़ा बने, उन्होंने लिए सो हस्ताक्षर कर दिए, उन्होंने लिया सो राम जी के चरणों में संबंध रख दिया। राम जी की तरफ देख के बोले, सरकार आज तक फूल माला पुष्प वस्त्र बहुत आए, आपके पास संबंध पहली बार आया होगा, इसे भी स्वीकार करो। और संबंध को जैसे ही रखा तो बाद में के उस केवट भोला से पूछा कि भाई भोला एक बात बताओ, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवाया? तो भोला भगत बोला, हमारा इनके अलावा है कौन, हम किनका नाम लिखवाएं? अब तो आंखें भर आईं भोला की, भोला को पूरी बात पता लगी, पुजारी जी को पता लगी, तो संबंध में लिखा था अमुक तारीख को उपस्थित होना है। अब तो हाथ जोड़कर भोला रोने लगा, प्रभु की तरफ देखे, हरि बिना
हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, कौन निवारे, कौन निवारे, कौन निवारे। भोला भगत कहता साधनहीन मलिन दीन में, साधनहीन मलिन दीन में, जाम के ही के द्वारे, ओ जाम के ही के द्वारे, हरि संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। हे रघुनाथ, आपके बिन कौन है हमारो, हम किसके द्वार जाएं। रखियो लाज हमारी आज गिरधारी, आज हमारी लाज रखो, आपके बिन कौन हमारो, हम किसके द्वार जावे, किसको अपनी सुनावे। हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। या अनाथ की लाज आज प्रभु, या अनाथ की लाज आज प्रभु, हे रघुनाथ सहारे, हे रघुनाथ सहारे, हरि बिनु संकट कौन, आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। समय आ गया जिस दिन गवाही प्रस्तुत होनी थी। एक दिन पहले ही भोला भगत को पुजारी जी ने कहा कि तुम चले जाओ, दूर का मामला है, पहुंच नहीं पाओगे, तुम जाओ, आगे जाओ। उसने अपना कपड़ा पड़ा लिया, अपना सामान लिया, भगवान रघुनाथ जी की तरफ देखा, प्रणाम किया, आंखों में आंसू भरे, दीनहीन बेचारा कपड़ा लेकर के चला गया। एक दिन पहले ही दूर का मामला, रात भर अदालत के बाहर सोता रहा। सुबह हुई, प्रातः काल हुई, आज पुजारी जी ने रघुनाथ जी का दिव्य श्रृंगार जल्दी कर दिया, सुबह शीघ्र जल्दी भगवान को स्नान ध्यान करवाया, पूजा पाठ की, वस्त्रस्त्र पहनाए, तिलक चंदन लगाया और कहा, सरकार आज आप पहली बार बाहर जा रहे हो, मूर्ति की पूजा कर पहली बार बाहर जा रहे हैं, जल्दी भोजन बनाए, भूखे रहेंगे, वहां पता नहीं अदालत में कितना टाइम लगेगा। और आंखों में आंसू भर के पुजारी जी बोले, याद रखना उस भोले भगत का आपके अलावा कोई नहीं है, और सब आपके अलावा कोई नहीं है, आप भूल मत जाना। आहा, जैसे ही भोला भगत अदालत प्रारंभ हुई और जैसे ही जज साहब कुर्सी पर बैठे तो फाइल उठाई
और फायल उठा करके केवट भोला भगत को बुलाया तो वो कटघरा में आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही कटघरा में खड़ा हुआ तो जज साहब ने पूछा, हां भाई भोला भगत जी कहां है तुम्हारे रघुनाथ जी, गवाए कहां है? हाथ जोर के बोला, वो तो सब जगह है, यहीं कहीं होंगे, सब जगह यहीं कहीं होंगे, बुलवाओ। जज ने चपरासी से कहा, हां भाई बुलाओ जरा रघुनाथ जी को, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो रघुनाथ, ऐसे तीन नारे जो लगाए हैं। तो चपरासी बाहर तक आया और चिल्ला करके बोला, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे तीन नारे जो लगाए हैं। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध सी झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर धाए हैं, हाथ में छड़ी माह तुलसी की ही माल, माथे पर रोली चारू चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत जू चपरासी के साथ, आज रघुनाथ जू गवाह बनकर आए। आज रघुनाथ जू गवाह बनकर आए, हाथ में एक छड़ी लिए हुए, कपड़ा फटे से भगवान पहने, मस्तक पे चंदन भगवान लगाए, शरीर कांप रहा और चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, तो आवाज दूर से आ रहे आ रहे आ रहे, साहब के सामने विनीत जू चपरासी के साथ, आज रघुनाथ जू गवाह बनकर आए। आकर रघुनाथ जी जो दुनिया के दाता हैं, वो आज कटघरे में खड़े भए, कटघरे में खड़े भए, तो चौंक गए सेठ, ये कौन आ गया? सेठ की आंखें फटी रह गई, आंखें की आंखें फटी रह गई। तो भगवान ने पूछा, क्यों भाई रघुनाथ जी? और ये भोला भगत ने सेठ जी को रुपया दिए तब तुम वहां उपस्थित थे? रघुनाथ जी ने कहा, जी सरकार हम वहां पर थे। आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो सेठ को यहीं बंदी बना लो और इसकी 32 नंबर की डायरी उसके मकान में रखी है, उसके बीच में वो कागज रखा है जिस पर चुक्ति के हस्ताक्षर है, उसे उठवा लिया जावे। भगवान तो अंतर्यामी है, प्रभु तो अंतर्यामी है। पुलिस भेजी गई घर, चपरासी के घर से वो बही मंगाई गई और वो रसीद पाई गई, और रसीद पाई गई, बंदी बनाया गया सेठ को और भोला भगत को बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन जज का मन नहीं माना, बाद में अपने केवन में जज गए तो रोने लगे, आखिर भैया ये रघुनाथ जी कौन है? भोला भगत को बुलाया, बोले वो तेज वो आभा हमने आज तक नहीं देखी, ये रघुनाथ जी को तुम जानते हो? तो भोला भगत ने कहा, हमारी तो रोज की पहचान है। अच्छा ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? बोले जहां हम रहते हैं। तो जज ने कहा, तुम कहां रहते? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा तो ये रहते कहां? बोले मंदिर में। अच्छा अच्छा ये पुजारी है? बोले नहीं नहीं, तो इन्होंने मंदिर बनाया? बोले मंदिर भी नहीं बनाया। फिर बोले कौन है ये रघुनाथ जी? बोले जिनका मंदिर है वही रघुनाथ जी है। और जैसे ही इतना कहा तो शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटवा के गवाह है कहाते रहे, सुख धो के उतर से दियो को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। जज साहब की आंखों में आंसू आ गए, लोगों ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? बोले एक गुनाह हो गया। क्या? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज
बैठा रहा जगदीश खड़े सम जाते रहे, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जगदीश खड़े सम जाते रहे। और आंखों से आंसू बह गए जज साहब के, और उस दिन के बाद कभी अदालत में नहीं बैठे। लोगों ने कहा कहां जा रहे हो, बोले जहां से गवाह आए थे अब उन्हीं गवाह के चरण शरण में जा रहे। वृंदावन आ गए, तब से वृंदावन में उन्होंने बात किया। ये बात उनके लिए जो कहते महाराज भगवान मिलते नहीं, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना कठिन है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष भागवत की चर्चा हम करेंगे, आज भगवान का अवतार है, लेकिन उसके पहले